नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हूँ अपने इस चैनल में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने चैनल को 500 का सब्सक्राइबर का जो टारगेट होता है और जो 3000 वॉच टाइम का टारगेट होता है हाफ मोनेटाइजेशन के लिए, जिसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं। पहला तो आपको कोई भी सुपर चैट भेज सकता है लाइव आप आते हो तो। प्लस दूसरा क्या होता है इसका फ़ायदा कि जब आपका कोई वीडियो देखता है उससे बहुत इंस्पायर होता है या उसको बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो, तो वो आपको सुपर थैंक्स भी भेज सकता है। और तीसरा जो इसका फ़ायदा होता है वो, जैसे आप अपने कोई भी प्रोडक्ट है आपका कोई स्किल, तो आप अपने चैनल के ज़रिए अपने शॉप को आप ऑनलाइन करा सकते हो। मतलब ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को आप भेज सकते हो, कोई भी आपके जो व्यूवर्स होंगे वो उसे परचेस कर पाएंगे, ठीक है। तो तीसरा ये फ़ायदा हो जाता है। प्लस जो आपका क्या होता है कि इसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा तो नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपका मतलब वॉच टाइम से जो आपका जो भी लोग देखेंगे वीडियो, लॉन्ग वीडियो होंगे उसमें से आपका तो जो है जो भी रेवेन्यू बनेगा वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये रहेगा कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज है, मतलब हाफ मोनेटाइज रहेगा। कोई ज़्यादा फ़ायदा इसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फ़ायदा देखने को तो नहीं मिलता है क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि कहाँ ज्वाइन करके रखते हैं, ठीक है। ज्वाइन करके कोई भी नहीं रखता है, मतलब लगभग जो बड़े बड़े चैनल हैं उनको भी उतना ज़्यादा लोग ज्वाइन करके नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आप भी सोचिए कि ज्वाइन कौन ही करेगा, है ना, क्योंकि हर मंथली पेमेंट करके आपको वो ज्वाइन करके रखना पड़ेगा अगर कोई भी आपको ज्वाइन करता है तो ये इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर आपने मोनेटाइजेशन के लिए डाला है, ठीक है, तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा तो वो आपको पहले पता चल जाएगा कि आप आगे जो भी मेहनत करोगे, मतलब 4000 वॉच टाइम को कंप्लीट करने के लिए या 1000 का जो आपका सब्सक्राइबर है उसको गेन करने के लिए, तो आप उसमें थोड़ा सा अपना जो है अपग्रेडेशन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी रिजेक्शन आता है यूट्यूब की तरफ से, जैसे आपने मोनेटाइजेशन के लिए डाला बट आपका मोनेटाइज नहीं हुआ, आपके में कॉपीराइट आ गया या फिर रीयूज कंटेंट लिखा हुआ, कोई आपको मतलब ऑब्जेक्शन आ गया अगर आपने मोनेटाइजेशन के लिए डाला, तो आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो अपने चैनल पे, है ना। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है कि आपको पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपके चैनल में कोई दिक्कत है या फिर नहीं है। 500 और 3000 वॉच टाइम होने के बाद आप जब डालोगे मोनेटाइजेशन के लिए तो ये रिव्यू करेगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन हो सकता है, मतलब 4000 वॉच टाइम होने के बाद और 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। मेरे स्क्रीन पे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने अपना लॉगिन कर लिया है। मैंने जो अपना YT स्टूडियो में जाके अपना जो चैनल है देख सकते हो, लॉगिन कर लिया है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको अर्न का ऑप्शन दिखेगा, मेन्यू में अर्न का ऑप्शन दिखेगा, इस मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। अर्न वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा अनलॉक लिखा हुआ आएगा, अर्न ऑन यूट्यूब, और ये अनलॉक आएगा तो यहाँ पे सीधे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपका क्राइटेरिया कम्प्लीट होने के बाद। बाकी नीचे आप लोग देख सकते हो कि कितना सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर कितना कंप्लीट हो गया है, मतलब आगे का ये माइलस्टोन है, मतलब ये आपको कंप्लीट करना है आपको चैनल को फुल्ली मोनेटाइज करने के लिए। और यहाँ पे 3014 का पब्लिक वॉच टाइम हावर्स कंप्लीट हो चुका है, 4000 चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और क्राइटेरिया रहता है, अगर आप 3000 का वॉच टाइम नहीं भी कम्प्लीट करते हो तो आपको शायद कुछ 3 मिलियन या 2 मिलियन का जो आपका शॉर्ट्स का व्यूज है वो कंप्लीट करना होगा, जिससे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अर्न ऑन यूट्यूब स्टेप 1 नॉट स्टार्टेड, ठीक है। रिव्यू बेस टर्म्स, इसको आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको।
ये सारे एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, इन सबको आपको पढ़ लेना है अगर आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। आई एक्सेप्ट द बेस टर्म्स, और यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है एक्सेप्ट टर्म्स को, ठीक है। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लिख रहा है डन, रिव्यू बेस टर्म्स डन हो चुका है। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरे स्टेप पे लिखा हुआ है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस भी आपको इसमें अटैच करना है। अगर आपके पास पहले से है तो आप उसको यहाँ से स्टार्ट पे करके साइन अप करके आप इसमें लिंक कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा एडसेंस अकाउंट। एडसेंस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी में आपका अर्निंग जो भी है वो। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको स्टेप टू में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद आपको ये आएगा आपके पास पहले से अकाउंट है। अगर है तो यस कर सकते हो, वरना नो कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको आईडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैंने पहले ही बना रखा है, तो मैं यस पे करता हूँ। यस आई हैव एन एक्साइटिंग अकाउंट। फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे साइनिंग करना है। मैंने पहले से यही जीमेल अकाउंट है, इसी से मैंने बना रखा है एडसेंस अकाउंट भी। तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह आ रही है, नाम आ रहा है किस नाम से है, ठीक है। वेबसाइट नेम आ रहा है, एक्सेप्ट करना है आपको यहाँ से एक्सेप्ट एसोसिएशन। एक्सेप्ट करना है, कैंसिल करना है, हम यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे, सबमिट कर देंगे इसको। अकाउंट और नेम एंड एड्रेस को यहाँ से हमने इसको सबमिट कर दिया। इसके बाद आपको कर देगा YouTube के जो वेबसाइट है उस पर आपको रिडायरेक्ट हो जाएगा वापस से, दोबारा से आप वहीं पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे इन प्रोग्रेस में चला गया है, यानी इस पर कुछ टाइम लगेगा आपको, ठीक है, कि प्रोग्रेस में गया हुआ है ये। थोड़ा सा आपके जो भी इसमें जो भी कंटेंट होगा उन सब का अगर आप कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंटेंट रीयूज नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो जो आपका चैनल है वो हाफ मोनेटाइज हो जाएगा। यानी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन कर सकता है मंथली पेमेंट देके। प्लस दूसरा क्या प्लस आपका जो चैनल है वो हाफ मोनेटाइज रहेगा ही, ठीक है। तो यही एक फ़ायदा होता है। बाकी आप वीडियो से जो लॉन्ग वीडियो है उससे तो आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए तो आपको जो मेन क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर का और 4000 वॉच टाइम का, वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।